कांग्रेस पार्टी डोनेशन कैंपेन चला रही है, लेकिन कैंपेन से कांग्रेस के पदाधिकारी जुड़ ही नहीं रहे। बीजेपी इस मसले पर हमलावर है, जबकि कांग्रेस कह रही है कि डोनेशन देने की कोई अवधि तय नहीं की गई है। एक रिपोर्ट इस पर देखिए। कांग्रेस ने हाल ही में डोनेशन कैंपेन शुरू किया है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि इस कैंपेन को कोई खास कामयाबी नहीं मिल रही है और कई पदाधिकारियों ने अब तक डोनेशन नहीं दिया है। महीने भर के अंदर सिर्फ 73,24,000 रुपए ही पार्टी फंड में आए हैं। यही नहीं, ज्यादातर विधानसभा प्रत्याशी, विधायक और जिला अध्यक्षों ने अपना अंशदान नहीं किया। इसे लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। बीजेपी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस के पदाधिकारी पार्टी के प्रति समर्पित नहीं है। कांग्रेस ने डोनेशन ड्राइव चलाया, उन्होंने एक बार कोड जारी किया, बार कोड में फर्जीवाड़ा हुआ, वो किसी दूसरे खाते में पैसा जाने लगा और ये बात मीडिया ने उजागर की। तो जो खुद के खाते, खुद की कोठी, खुद के बंगले बनाने में लगे रहते हैं, वो अपनी पार्टी की चिंता कभी कर नहीं सकते, क्योंकि उनकी स्वभाव में पार्टी संगठन कहीं है ही नहीं। उधर डोनेशन देने की कंजूसी के सवाल पर कांग्रेस ने बचाव किया। के मिश्रा ने तर्क दिया कि डोनेशन देने की समय सीमा तय नहीं है, ऐसे में जल्द बाकी पदाधिकारी डोनेशन दे देंगे। कंजूसी नहीं है, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जी ने किस पदाधिकारी का कितना अंशदान होगा वो सुनिश्चित कर दिया है, मगर उसकी कोई सीमा नहीं है कि कब तक जमा कराना है। तो जो उस क्राइटेरिया में होने तो जमा कराना ही है और वो सब कराएंगे भी। कांग्रेस के डोनेशन ड्राइव पर सवाल के साथ ही सियासत भी हो रही है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी पर गुटों में बटे होने के साथ ही समर्पित कार्यकर्ताओं की कमी के भी आरोप लगने लगे हैं। इधर छत्तीसगढ़ में साय सरकार की कैबिनेट बैठकों को लेकर कांग्रेस हमलावर हो गई है। कांग्रेस ने कैबिनेट बैठक को केवल औपचारिकता बताया, वहीं चुनाव में किए गए वादों को लेकर कदम न उठाने के आरोप भी लगाए। रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कैबिनेट की 6 बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन चुनाव के दौरान किए गए कई वादों पर अभी तक फैसला नहीं हुआ है। महतारी वंदन योजना नहीं लागू किया गया, 3100 पर धान खरीदी पर खामोश हैं। कैबिनेट की बैठक सिर्फ औपचारिकता मात्र दिखती है। 6 कैबिनेट की बैठक हो चुकी है 1 महीने में, लेकिन एक भी ऐसा निर्णय नहीं हुआ जो इनकी योजनाओं को पूरा करता हुआ दिखे, जो सरकार के विजन को दिखाए। 3100 में धान खरीदी करेंगे, एक साथ भुगतान करेंगे, कैबिनेट की बैठक में कोई फैसला नहीं हुआ। महतारी बंधन के बारे में कैबिनेट की बैठक में कोई फैसला नहीं हुआ। 500 में गरीबों को सिलेंडर देने के बारे में कैबिनेट की बैठक में कोई फैसला नहीं होता है। बिजली बिल आधा आगे जारी रखने के बारे में कैबिनेट की बैठक में कोई फैसला नहीं होता है। वही पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने बीजेपी की सरकार पर तंज कसा। डहरिया ने कहा कि जितनी चाहे बैठकें कर ले, अभी हम उनसे सवाल नहीं पूछेंगे, खूब समय दे रहे हैं, देखते हैं कि वो अपने वादे कब पूरा करते हैं। अभी हम उन पर कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं, अभी तो उनको काम करने का अवसर है। ये ग्रेस पीरियड अभी चल रहा है, किस तरह से काम कर रही छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है। जल्दी लोकसभा चुनाव है, सब गम भुलाकर कांग्रेस लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी सरकार पर हमलावर हो चुकी है और साय सरकार पर विधानसभा चुनाव में जनता से किए वादों को लेकर वादा खिलाफी के आरोप लगा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अब बात अनोखी चोरी की। चोर सोने चांदी रुपए तो चुराते ही हैं, लेकिन आपने मुर्गी चोरी के बारे में क्या कभी सुना? मुर्गी चोर भी होते हैं वैसे, लेकिन मुर्गी चुराने अगर 15 लोग तीर कमान लेकर पहुंच जाएं तो ये अपने आप में हैरान करता है। धार में ऐसा ही मामला आया। चोरों की पूरी फौज तैयार, तीर कमान हथियारों से लैस, इनका निशाना रुपए पैसे सोना चांदी नहीं, मुर्गियां हैं। जी हाँ, मुर्गियाँ। मामला धार का है। यहाँ पोल्ट्री फार्म से मुर्गियों की चोरी हो गई। चोरों के लिए ये मिशन कितना बड़ा था, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मुर्गियाँ पार करने के लिए पूरे 15 चोर पहुँचे थे। ये वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। ये तस्वीरें देखिए, कैसे चोरों ने पोल्ट्री फार्म पर धावा बोल दिया।
चोर पहले पोल्ट्री फार्म का गेट तोड़ते हैं, फिर पोल्ट्री फार्म के अंदर जाते हैं और उसके मुर्गियां उठाकर रफू चक्कर हो जाते हैं। 60 सेकंड से भी कम वक्त में चोर 60 मुर्गियां पार कर देते हैं। मुर्गियों के साथ पोल्ट्री फार्म में रखे इलेक्ट्रॉनिक कांटे को भी चोर उड़ा ले जाते हैं। ये मुर्गियां किसी बड़े दावत के लिए चुराई गयी या इन्हें बेचकर माल कमाने के लिए, ये तो चोरों के पकड़े जाने के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन इस घटना से सभी हैरान हैं। कीमती सामान को तो तिजोरी में रखा जा सकता है, लेकिन मुर्गियों को कहाँ रखें? क्या अब मुर्गियों पर भी पहरा बैठाना होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तस्करों की नजर एक बार फिर से अब सोने पर आ गई है। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में 2 करोड़ का सोना पकड़ा गया। पुलिस एक आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ भी कर रही है। पूरा मामला है क्या, रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। महासमुंद पुलिस ने एक कार से 3 किलो 126 ग्राम सोना जब्त किया है, जिसकी कीमत 2 करोड़ बताई जा रही है। पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया है। एक होंडा सिटी कार को भी जब्त किया है। ये तस्कर सोने के बिस्किट को खड़गपुर छत्तीसगढ़ के रास्ते महाराष्ट्र ले जाकर खपाने की तैयारी में थे। पहले कुछ गुमराह करने का प्रयास किया, जब उससे हम लोगों ने तरतीब बार पूछताछ की तो उसने स्वीकार किया कि उसके पास में ये है। तौल पंचनामा कराया गया तो उसमें से 11 नग सोने के बिस्किट निकले थे और 3 नग सोने की बड़ी पट्टी निकली थी और 5 नग सोने की छोटी पट्टी निकली थी। इनका कुल वजन था 3 किलो 126 ग्राम, जिसका आज की डेट में बाजार मूल्य लगभग 2 करोड़ 6 हज़ार रुपये है। और एक होंडा सिटी कार मिली है, उसका बाजार मूल्य लगभग 4 से 5 लाख रुपए है, 6 लाख रुपए है। और ये पूरी कार्रवाई हम लोगों ने की है और इसको 102 में जब्त करके विधिवत इसको DRI को सौंप दिया जाएगा। सिंघोड़ा पुलिस साइबर सेल ने घेराबंदी कर तस्कर को पकड़ा। कार के ड्राइवर सीट के नीचे चैम्बर बनाकर सोने के बिस्किट की तस्करी को अंजाम दिया जा रहा था। आपको बता दें कि उड़ीसा के रास्ते नकदी, सोना चांदी, गांजा, धान सहित अन्य सामग्री की तस्करी होती रहती है। महासमुंद, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। भिंड में प्रेमी जोड़ी की पुलिस थाने में शादी कराई गई। लड़के के परिजन, पहले बताया गया कि शादी के लिए राजी नहीं थे, लिहाजा थाना प्रभारी से लड़की ने मदद मांगी और फिर दोनों की थाने में ही शादी करा दी गई। ग्यारह साल का साथ, उसके बाद शादी का इंतजार खत्म हो गया। मंदिर में एक दूसरे को माला पहनाकर विवाह कर रहा ये जोड़ा थाने में शादी कर रहा है। भिंड के देहात थाना परिसर में बने पशुपतिनाथ मंदिर में अविनाश गोयल ने प्रेमिका अर्चना से शादी की। पुलिस भी मौजूद रही और सबने बधाई दी। दरअसल लड़के के घर वाले शादी के खिलाफ थे और शादी नहीं हो पा रही थी। आखिर में अर्चना ने पुलिस से मदद मांगी और मिली भी। ये अर्चना गोयल हैं जो आवेदिका, काफी समय से परेशान थी और ये जो अविनाश गोयल हैं, इनके आपस में काफी समय से प्रसंग था और ये शादी नहीं कर रहे थे तो ये इन्होंने शिकायत की हुई थी अर्चना ने, जिसके लिए इनकी काउंसलिंग की गई। काफी प्रयास के बाद फिर ये दोनों शादी के लिए तैयार हो गए। तो उनका अर्चना जी का कहना था कि शादी क्या पता बाद में करे या ना करे, तो फिर एक नवाचार करते हुए आगे बढ़ते हुए, चूंकि यहीं मंदिर है, यहीं व्यवस्था की गई, दोनों के परिजन तैयार हो गए, सारा सामान ला और यहीं उन्होंने शादी रचा। कहते हैं जोड़ियां भगवान बना देता है और अविनाश और अर्चना की एक दूसरे के हो ही गए। उम्मीद है उनका आने वाला कल सुखमय होगा और परिजनों का साथ भी मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। राम मंदिर पर न्यूज 18 का थीम सॉन्ग लॉन्च हो चुका है। आप भी अपने परिवार के साथ राम के नाम के इस गाने को दोहराएं और भक्ति के रंग में रंग जाएं। यावर रामचंद्र की जय। राम सिया राम किया विश्व कल्याण, बोलो राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम किया विश्व कल्याण, बोलो राम सिया राम सिया राम। आया खुशियों का दिन सुहाना, लौटा है अपना रामा, अयोध्या फिर से सजा। सुनो हो रहा है ये हल्ला, बैठेंगे राम लल्ला फिर वहां। राम सिया राम किया विश्व कल्याण।
पल में युग युग में हर क्षण में राम हर तन में हर मन में कण कण में राम पल पल में युग युग में हर क्षण में राम हर तन में हर मन में कण कण में राम राम सिया राम तेरा विश्व कल्याण बड़ा राम सिया राम सिया राम राम सिया राम तेरा विश्व कल्याण बड़ा राम सिया राम सिया पल में युग युग में हर क्षण में राम हर तन में हर मन में कण कण में राम पल पल में युग युग में हर क्षण में राम हर तन में हर मन में कण कण में राम राम सिया राम अयोध्या में 16 जनवरी से शुरू हुए प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान का आज तीसरा दिन है। भगवान राम के विग्रह को गर्भगृह में स्थापित कर दिया गया है। रामलला की मूर्ति को आसन पर स्थापित करने में कुल 4 घंटे से ज्यादा का वक्त लगा। पूजन विधि के साथ भगवान राम की इस विग्रह को आसन पर विराजित किया गया। इस दौरान मूर्तिकार योगीराज और कई संत मौजूद थे। सदियों बाद रामलला अपने जन्म स्थान पर विराजित हो चुके हैं और अब 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा होनी है। देखिए जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच रही हैं। न्यूज 18 इंडिया भी उस पल का साक्षी बना जब पूरे विधि विधान के साथ रामलला की प्रतिमा को मंदिर पहुंचाया गया। न्यूज 18 इंडिया के पास रामलला की मूर्ति की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जब उन्हें श्री राम मंदिर में लाया गया। ये वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जिसमें रामलला की प्रतिमा को बनाने वाले मूर्तिकार अरुण योगीराज उसके साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। इस एक्सक्लूसिव तस्वीर में आप मूर्ति की एक झलक देख सकते हैं कि ये श्याम रंग की है। भगवान राम के बाल स्वरूप की जिस मूर्ति को राम मंदिर के गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा उसे कर्नाटक के मूर्तिकार अरुण योगीराज ने बनाया है। इस मौके पर मूर्तिकार अरुण योगीराज भी बेहद खुश नजर आए। How you are feeling? Happy there. आप खुश हैं बहुत? आपकी ये खासियत है, ये उनके जैसे बने हुए 4 प्रकार के हैं। ये चारों भाइयों की हैं और इसमें मड़िया भी लगी हुई हैं और ये देख लेंगे इसमें लगी हुई है वो और इसी प्रकार से ये जो बने हैं कपड़े वो ठंडी के दृष्टि को राख करके देखा गया है। गर्म कपड़े रखे हैं। हाँ, मणिमाड़ी की इसके साथ जुड़ा है तो इसलिए ये महत्वपूर्ण है और ये महत्वपूर्ण होने के साथ साथ क्योंकि जिस दिन रामलला जो वहाँ विराजमान होंगे उसी दिन इनकी भी पूर्णतया उसी ढंग से इनकी कपड़े का व्यवस्था भोग राग और सारी व्यवस्थाएँ उसी प्रकार से हो। न्यूज 18 इंडिया पर आप राम मंदिर के अंदर की वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं जिनमें आपको साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे राम मंदिर को पूरी तरह से तैयार करने के लिए सैकड़ों मजदूर दिन रात मंदिर के अंदर फिनिशिंग के काम में जुटे हुए हैं। मंदिर में काम भी चल रहा है और साथ में भजन भी चल रहा है और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के लिए मंदिर के भूतल को तैयार किया जा रहा है। मजदूर राम काज के बीच राम भजन का आनंद लेते हुए लगातार वहां पर काम कर रहे हैं ताकि तय समय से पहले मंदिर में सारे जरूरी काम पूरे कर लिए जाएं। दरअसल बुधवार शाम को अरुण योगीराज की बनाई हुई रामलला की मूर्ति को भी एक ट्रक के जरिए विवेक सृष्टि ट्रस्ट से राम मंदिर परिसर लाया गया।
विवेक सृष्टि ट्रस्ट वो जगह है जहां अरुण योगीराज ने रामलला की मूर्ति बनाई थी, फिर क्रेन की मदद से रामलला की मूर्ति को राम मंदिर परिसर के अंदर ले जाया गया। 22 जनवरी के ऐतिहासिक दिन को और भी खास बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और खास पहल की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान राम पर डाक टिकटों का संग्रह जारी किया। ये टिकट सिर्फ कोई आर्ट वर्क नहीं है, ये इतिहास की किताबों, कलाकृतियों के रूपों और ऐतिहासिक स्थलों का सबसे छोटा रूप भी होते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि एक प्रकार से बड़े बड़े ग्रंथ का, बड़ी बड़ी सोच का एक मिनिएचर फॉर्म होता है। आज जो ये स्मारक डाक टिकट जारी किए गए हैं, उनसे हमारी युवा पीढ़ी को भी बहुत कुछ जानने सीखने को मिलेगा। उन्होंने 48 पेज के किताब में श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर 6 स्मारक डाक टिकट और दुनिया भर में भगवान राम पर जारी टिकटों का एक एल्बम जारी किया। बस अब पूरी दुनिया के राम भक्तों को 22 जनवरी का इंतजार है, क्योंकि उस दिन प्रभु श्री राम 500 साल बाद वापस पूरे विधि विधान के साथ अपनी अयोध्या नगरी में हमेशा हमेशा के लिए विराजमान हो जाएंगे। भारत से हजारों मील दूर अमेरिका के लॉस एंजल्स में हाथ से बनाए गए सबसे बड़े हिंदू मंदिर में से एक बैप्स स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर बर्फ की सफेद चादर से ढक चुका है। लॉस एंजल्स में इस समय भारी बर्फबारी हो रही है, जिसकी कई सुंदर तस्वीरें भी सामने आई हैं। तस्वीरों को देखकर आपका मन प्रफुल्लित हो जाएगा। लॉस एंजल्स में बैप्स स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर का उद्घाटन 5 अक्टूबर को हुआ था। तो देखिए कितनी खूबसूरत तस्वीर जो है, हर तरफ सफेद बर्फ की चादर बिछी हुई नजर आ रही है और बैप्स स्वामी नारायण मंदिर है ये। और देखिए ये तस्वीरें, दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। लॉस एंजल्स में ये मंदिर है जिसका उद्घाटन भी हाल ही में हुआ है, 5 अक्टूबर को ही हुआ है। स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर है, कितना खूबसूरत ये मंदिर लग रहा है इस समय। खबर असरदार में फिलहाल के लिए बस इतना ही, वक्त एक ब्रेक का, उस पार देखिए खबरें दना दन अंदाज में।